शेख हसीना ने मढ़ा अमेरिका पर आरोप। हिंसा और तख्तापलट में अमेरिका का बड़ा रोल। अमेरिका को क्यों देनी पड़ी विवाद पर सफाई। बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। हिंसा, आगजनी और जमकर उत्पात के एक सप्ताह के बाद शेख हसीना की एक चिट्ठी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश की जनता को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना की ओर से एतराज जताने और बिगड़ते हालात के चलते वह ऐसा नहीं कर सकी। हालांकि यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने अपने सहयोगियों को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसके बाद अमेरिका को लेकर नई बहस छिड़ गई। लोकतंत्र समर्थक अमेरिका पर बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का आरोप लगने लगा। विवाद बढ़ता देख अब अमेरिका ने भी इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्तापलट और सियासी उठापटक में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। अमेरिका ने कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने इसकी जानकारी दी। कैरिन जीन पियरे ने कहा कि इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। So, we have had no involvement at all. Any reports or rumors that the United States government was involved in these events is simply false. That is not true. This is a choice for and by the Bangladeshi people. We believe that the Bangladeshi people should determine the future of the Bangladeshi government, and that's where we stand. Any allegations, certainly we will continue to say, and I have said here, is simply untrue. इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात के बीच हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों का भी मुद्दा उठाया गया। इसके चलते हिंदू समुदाय के लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका स्थिति की निगरानी जारी रखेगा, जब तक यहाँ किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों के मुद्दे की बात आती है तो हमारे राष्ट्रपति सार्वजनिक और निजी तौर पर स्पष्ट रूप से बोलने में बहुत सुसंगत रहे हैं और वे ऐसा करना जारी रखेंगे। Certainly to monitor the situation. I don't have anything else to add to say beyond that. But when it comes to any type of human rights issues here, the president has been very consistent in speaking loud and clear in public and also privately. Don't have anything, and he'll continue to do that, but don't have any specific engagement to speak to. वहीं इस पूरे मामले पर नया ट्विस्ट भी सामने आया है। शेख हसीना के बेटे ने बड़ा दावा किया है। सजीव वाजेद ने इस बात से इनकार किया कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान दिया है। शेख हसीना के बेटे वाजेद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाल ही में एक अखबार में छपी रिपोर्ट में मेरी मां का इस्तीफे से जुड़ा बयान पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने मुझसे बातचीत में पुष्टि की कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गौरतलब है कि भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कथित तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप न सौंपने के कारण अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बेदखल कराया है। शेख हसीना का ऐसा दावा है कि सेंट मार्टिन द्वीप मिल जाने के बाद बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता, जिसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग है।